लो एवरीवान सो वेलकम बैक ऑन दिस वीडियो और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दिस इज द फर्स्ट प्राइमेस्टर इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था इसका एक इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ सो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से फर्स्ट ट्राइमेस्टर ठीक है अब सबसे पहले बात आती है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो होता कितने वीक्स का है So, ये बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है तो यू हैव टू रिमेम्बर दैट की फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज ऑफ थ्री मंथ्स ठीक है तीन महीने का होता है और तीन महीने में कितने वीक्स आते हैं ऑल लोग एक महीने के अंदर चार वीक होते हैं सो ऑफकोर्स तीन महीने के अंदर हो गए टोटल ट्वेल्व वीक्स सो फर्स्ट टाइमेस्टर इज ऑफ ट्वेल्व वीक्स नाउ अब यहाँ पर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कैसे होगी फर्स्ट फर्स्टर के अंदर तो देअर आर टू टाइप्स ऑफ द सिम्टम पहले आते हैं आपके सब्जेक्टिव सिम्टम व्हाट आर द सब्जेक्टिव सिस्टम सॉरी सिम्टम्स सब्जेक्टिव सिस्टम सिम्टम्स आर दो सिम्टम्स जो कि पेशेंट अपने आप से फील करता है मतलब पेशेंट को खुद से बताएगा कि भाई डॉक्टर साहब ये सारी परेशानियां हो रही है ठीक है सो द फॉलोइंगली सिम्टम्स ऑफ मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तो ये अर्ली मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी है कुछ सिम्टम्स है इसमें पहला और सब लोग बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट साइन मानते हैं वो होता है ए एमूरिया वॉट इज द एमनोरिया एमनोरिया इज बेसिकली की जब मेन्सेज uh, ना हो तो उसको बोला जाता है एमनोरिया सो so पहला अर्ली साइन ऑफ सिम क्या है दर्ली साइन इज द एमनोरिया एंड अगर आपको कभी भी ऐसे वर्ड याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो यू ऑलवेज रिमेम रिमेम्बर अगर किसी के आगे ए लग गया है दैट मीन्स की वो एबसेंट है ठीक है एमेनोरिया ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड इन एन अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल हैविंग प्रीवियस नॉर्मल पीरियड इज लाइकली टू प्रेग्नेंसी

हर फीमेल के अंदर ऐसा ही होता है हो सकता है कभी आपके पास ऐसा केस आए कि फीमेल आपको बताए कि मेरे जो मेंसेस हैं या मेरी जो ब्लीडिंग हो रही है वो काफी स्केंटी हो रही है हम्म। बट स्टिल अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए तो इज प्रेग्नेंट तो इस केस में आप क्या करेंगे इस केस में आपको ये समझना है कि जो डेडुअल स्पेस है वो स्केंटी हो रही है और बहुत ही कम ड्यूरेशन की हो रही है जो कि नॉर्मल पीरियड होते हैं ठीक है दिस इज टर्म्ड एज अ प्लेसेंटल साइन और इसको क्या कहा जाता है इट इज नोन एज द प्लेसेंटल साइन तो ये आप ध्यान रखना जिकल ब्ली ब्ली है कम पीरियड के लिए हो रही है आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है और इसको पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग के साथ कनेक्ट नहीं करना है पैथोलॉजिकल ब्लीडिंग मतलब की थ्रेट अबॉर्शन मतलब की जब कहते हैं ना कि अबॉर्शन बिल्कुल Just होने वाला उससे पहले कुछ ब्लीडिंग स्टार्ट होती है It, threatened मतलब क्या होता है है kind धमकी of तो तो एक एक तरीके से एक indication मिलना कि होने वाला तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि जो वुमेन प्रीवियसली एमरिक है मतलब कि वो कंडीशन के ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड या ड्यूरिंग प्यूबर्टी उनमें भी कभी कभी देखा जाता है कि वो फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं ठीक है ठेके? तो इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल नेक्स्ट द सेकेंड सब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ द प्रेगनेंसी इज मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग सिकनेस इज बेसिकली द नोजिया एंड वॉमिटिंग इन

है। जब पीरियड मिस हो जाता है ठीक है तब से ये स्टार्ट हो जाता है, एंड कब तक रहता है टिल सिक्सटीन वीक मतलब कि हम कह सकते हैं अराउंड साढ़े तीन महीने के आसपास ठीक है या फिर हम कह सकते हैं चार महीने तक ये Vomiting, तरीके से सिम्टम आते रहते हैं इट्स इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम नोशिया ऑन राइजिंग फ्रॉम दी बेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट और इवन वॉमिटिंग बट इट इज यूजली डज नॉट अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ़ मदर। सो ये सब ना होता है इट्स अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ सिम्टम्स ऑफ द प्रेगनेंसी की uh, भूख नहीं लगेगी कम लगेगी उठने पर नॉक्शिया होगा वॉमिटिंग भी होगी इट इज अ नॉर्मल साइन क्योंकि बॉडी के अंदर काफी हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं इसलिए ये चीजें फीमेल फील करती है नेक्स्ट सिम्टम है द फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन मतलब कि यूरिन पास करने की जो फ्रिक्वेंसी है अब उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मिचुरेशन इज क्वाइट ट्रिबल सम्स ज्यूरिंग एट टू ट्वेंटी फोर्थ वीक ऑफ प्रेगनेंसी अब क्या होता है देखो कि जो फीमेल है उसका अराउंड आपका वो दूसरा तीसरा महीना चल रहा है और जो फ्रिक्वेंसी है मिक्चुरेशन की वो इंक्रीज हो जाती है इट इज ड्यू टू किस वजह से होती है ये कॉज जानना आपको बहुत जरूरी है रेस्टिंग ऑफ 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 द द द द द यूट्रस यूट्रस ऑन फंडस ब्लैडर बिकॉज एक्स अब देखो क्या होता है कि क्यों फ्रीक्वेंसी बढ़ भर रही है मिक्चुरेशन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि जो यूट्रस है उसका बोझ यूट्रस में ऑफ कोर्स अब बेबी है वो ग्रो कर रहा है तो उसका बोझ आता है ब्लैडर के फंडस पे मतलब कि इस पोर्शन पे इसीलिए बार बार फीमेल को फील होता है कि उसको यूरिन पास करनी है नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है नेक्स्ट कॉज ऑफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकती है कंजेशन ऑफ द ब्लैडर म्यूकोसा ये जो ब्लैडर की म्यूकोसा अगर इसमें कंजेशन हो जाए या फिर चेंज इन मैटरनल ऑस्मो रेगुलेशन मतलब की बॉडी के अंदर जो भी ऑस्मोलिटी है अगर उसमें चेंजेस आ रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज थर्स्ट प्याज भी ज्यादा लगेगी और मिक्चुरेशन भी ज्यादा होगा दैट इज पॉली यूरिया पोलियोरिया मतलब होता है बार बार यूरिन पास करना एज द यूट्रस स्ट्रेंथ अप आफ्टर ट्वेल्थ वीक और बारह वीक के बाद मतलब अराउंड तीन मंथ्स के बाद जो है वो यूट्रस खूब अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है द सिम्टम डिसअपेयर तो उसके बाद ये सिम्टम डिसअपेयर हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट इन द फॉर्म ऑफ द फीलिंग ऑफ सेंसेशन इज द प्रीमीग्रेविडा जो कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट होती है उनको हम बोलते हैं प्रीमीग्रेविडा तो उनको ऐसा होती है इन दर ब्रेस्ट की फीलिंग ऑफ फुलनेस हो रही है फिर प्रिकिंग सेंसेशन हो रही है अराउंड सिक्स टू एट वीक पे ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट आता है ठीक है? चलो सब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ दी प्रेगनेंसी आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा अगर ये वीडियो पसंद आया है सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच इन द नेक्स्ट वीडियो डिस्कस अबाउट सिम्टम्स